आज हम कच्चे आम का मुरब्बा बनाएंगे। जैसा कि गर्मियों का मौसम है और मार्केट में तो बहुत सारे आम आ रहे हैं, क्यों ना आज आम का मुरब्बा बना लिया जाए। अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो प्लीज जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों रेसिपी शुरू करते हैं। आम का मुरब्बा बनाने के लिए हमने आधी किलो करीब आम लिया है। पहले आम को अच्छी तरीके से छील लेंगे। देखिए आम को हमने अच्छी तरीके से छील दिया है, अब इसको हम कट कर लेते हैं। इसमें जो बीज है इसको निकाल देंगे, कट कर लेंगे। आम को अच्छी तरीके से कट कर लिया हमने। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हमारी अच्छी तरीके से गर्म हो चुकी है। हमने एक कटोरी में घी लिया है, क्योंकि घी से फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए हमने घी लिया। आप चाहो तो रिफाइंड भी ले सकते हो। घी डाल देंगे इसमें। घी को बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। और तड़का लगाने के लिए हमने आधी चम्मच करीब सौंफ लिया था, आधी चम्मच करीब हमने साबुत धनिया ली थी, आधी चम्मच करीब हमने जीरा लिया है और 4 साबुत मिर्ची भी ली है तड़का लगाने के लिए। इसका तड़का लगा देंगे। अगर तड़का लगाया जाए तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। आंच को थोड़ा कम कर देंगे। अब जो हमने आम काट के रखे थे इसमें डाल रहे हैं। अच्छी तरीके से फ्राई करना है आम को, अच्छे से तेल में मिक्स कर देंगे। पहले हम इसे अच्छी तरीके से बहुत फ्राई करेंगे। नॉर्मल आंच करनी है गैस की, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा तेज, और अच्छी तरीके से 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। थोड़ी देर के बाद हम चेक करते हैं। हमें एक बीच में चेक करते रहना है, क्योंकि आपस में लगे ना, ये लग जाएगा इससे स्वाद बहुत ही बेकार आएगा। नॉर्मल ही आँच में पकाना है बढ़िया से। देखिए आम अभी सॉफ्ट होने लगा है, हल्का फुल्का। ये देखिए हम फिर से ढक देंगे। ये हल्का हल्का हमारा आम पिघल चुका है। अब हम आधा चम्मच करीब हल्दी डाल देंगे इसमें, इससे थोड़ा कलर आता है, इससे आम हमारा देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा और स्वाद भी आता है हल्का फुल्का। ये देखिए अब हमारा पीले कलर में हो गया देखने में। मैंने एक कटोरी में चीनी लिया था, इसे मिक्स कर देंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया हमने। पिघलने के लिए हम एक गिलास करीब पानी डाल देंगे। गैस की आंच को तो हम तेज कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से पकने देंगे। इसमें हमारा खट्टा मीठा दोनों ही स्वाद है, और बच्चों को तो ये खासकर ये बहुत फेवरेट होता है और बच्चे इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। इसको हम ढक देंगे, बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। हम फिर से चेक करते हैं। देखिए हमारे आम के मुरब्बे में बहुत ही मजे से उबाल आ रहा है, लेकिन आम हमारा अभी पिघला नहीं है। इस ग्रेवी जब ये अगर बनने में होगा तो इसकी ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी हो जाएगी। इसको हम फिर से ढक देंगे, एक बार हम फिर से चेक करते हैं। देखिए दोस्तों ग्रेवी हमारी बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी हो चुकी है। इसका मतलब है कि हमारा ये अच्छे तरीके से पक चुका है। देखिए आम का मुरब्बा बनकर हमारा तैयार हो चुका है। देखिए मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए हमारा आम का मुरब्बा भी बनकर तैयार हो चुका है और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही गाढ़ी है। ये देखिए, यकीन मानिए आपको ये रेसिपी इतनी ज़्यादा पसंद आएगी। अगर रोटी से आप इसको खाओगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा ये। आप सब्जी वगैरह भी भूल जाओ, क्योंकि ये खट्टा मीठा होता है और खट्टा मीठा तो लोगों को कुछ ज़्यादा ही पसंद आता है। एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।